योगी जी, ये जो नई वाली भारतीय जनता पार्टी यानी जो प्रधानमंत्री मोदी की, अमित शाह जी की भारतीय जनता पार्टी है, ये तो एक म्यूनिसिपल चुनाव भी पूरी मेहनत से, पूरे पुरुषार्थ से, जैसा आप कहते हैं, लड़ती है। तो ऐसा कैसे हुआ कि मेहनत नहीं हुई या उस तरह का पुरुषार्थ नहीं हुआ जिसकी तरफ आप संकेत दे रहे हैं, गोरखपुर जैसी जगह में, फूलपुर जैसी जगह में? उपचुनाव में एक तो लोकल इश्यू होते हैं, दूसरा कार्यकर्ता और हमारे मतदाताओं के बीच में यह था कि भाई ये तो सीएम की या डिप्टी सीएम की सीट है, यहां तो जीतना ही है। तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति निश्चिंत था कि जीतना ही है और हम जीत रहे हैं। तो कोई घर में बैठा रहा, मतदान करने के लिए नहीं गया, डोर टू डोर कन्वेंसिंग के लिए नहीं गया, अन्य तरीके से केवल जीत के आंकड़े काउंट करता रहा। और उसका खामियाजा क्या हुआ कि मतदान का प्रतिशत, पोलिंग परसेंटेज गिरते ही भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीटों पर हार के रूप में इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और अब जब ये हो गया है तो हर तरह का विश्लेषण आ रहा है। कोई कह रहा है कि हमने तो योगी जी को साफ मना किया था, नोएडा मत जाओ, नोएडा जो जाता है हार जाता है, आप फिर भी आए, दिसंबर में नोएडा मेट्रो के इनॉग्रेशन के लिए आए और ये हो गया, अब उनको फिर बोलने का मौका मिल गया है, आप इसके बाद भी नोएडा आएंगे? हाँ, मेरा तो नोएडा में बहुत शीघ्र कार्यक्रम लगने वाला है। एक योगी के रूप में अशुभ को शुभ करने के लिए ही मैं जाता हूं। उत्तर प्रदेश की अराजकता जो अशुभ का प्रतीक था, उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार जो अशुभ का प्रतीक था, उत्तर प्रदेश में गुंडागिर्दी जो अशुभ का प्रतीक था, इसी के लिए हमारी पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश में भेजा है जिससे मैं शुभ कर सकूं, और उसी के लिए मैं उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा हूं। हम यहां बात कर रहे थे श्री श्री रविशंकर जी की पहल पर, उस पर आपकी क्या राय है? श्री श्री रविशंकर जी की पहल होनी चाहिए, उससे कुछ हल निकलेगा या नहीं होनी चाहिए? देखिए, पहल कोई भी बुरी नहीं होती है, और अगर कोई एक अच्छे उद्देश्य के लिए पहल करता है तो मुझे लगता है उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन जिस राम जन्मभूमि से संबंधित मुद्दे पर पहल इस समय हुई है, इस पे पहल बहुत बार हो चुकी है। आप 1986 में देखिए, 1989 में, 1993 में, 1998 में, 1999 में, 2003 में, कांचीपुरम के पूज्य शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी महाराज ने एक बेहतर पहल उस समय की थी। लेकिन एक पक्ष हमेशा वार्ता की टेबल से वहां से चला जाता था, उड़ जाता था। बातचीत से समस्या का समाधान हो तो लोकतंत्र में संवाद सबसे अच्छा माध्यम है, लेकिन जब संवाद से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और मामला न्यायालय में चला गया है, और खासतौर पर उस स्टेज पर जब माननीय उच्चतम न्यायालय इस बात को पहले तय कर चुका हो कि हम इसमें डे टू डे की सुनवाई करेंगे, अनावश्यक याचिकाओं को इससे हटाएंगे, और 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने जो निर्णय दिया है, जो लोग उस समय पार्टी थी उसी को हम आगे लेकर के चलेंगे, मुझे लगता है एक बेहतर प्रयास है, हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। और इस दिशा में इस वर्षों से चले आ रहे, सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे इस विवाद का पटाक्षेप करने की दिशा में किए जा रहे सार्थक प्रयास में अपना सहयोग देना चाहिए। ये चुनावी मुद्दा बनेगा फिर से? देखिए, राम जन्मभूमि का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है, एक आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और यह हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, चाहे फैसला आए या ना आए। देखिए, मैं आशावादी हूं और मैं मानता हूं कि फैसला आएगा। और आप ये मानते हैं आपके पक्ष में आएगा या हिंदू पक्ष में आएगा? भाई, आप ये क्यों मानते हैं कि नहीं आएगा? एक सवाल जो आपसे पूछा जाता है कि क्या अब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को डर के रहने की जरूरत है?
कोई उत्तर प्रदेश में कोई डर के नहीं रह रहा है। एक साल हमारी सरकार को हो रहे हैं जी, और उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में, मुझे लगता है 15 वर्ष में पहली बार हो रहा है जब एक वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ है। सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। इस बार होली और जुमा एक ही दिन पड़ गया था। मैंने अपील की कि होली वर्ष में एक दिन आएगा, जुमा 52 दिन आएंगे, इसलिए जुमे का समय बढ़ाइए। और मुझे प्रसन्नता है कि मुस्लिम मौलवी और धर्मगुरुओं ने जुमे का समय 2 घंटे आगे बढ़ाया था। यह है सौहार्द और संवाद। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति सुरक्षित है, सारे पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं। कानून के दायरे में रहकर कोई पर्व और त्यौहार मनाएगा, सरकार उसको सुरक्षा देगी, और हमारी सरकार इस कार्य को कर रही है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की सुरक्षा देना मेरा दायित्व है, और मैं और हमारी सरकार उस दायित्व का निर्वहन कर रही है। एक संविधान का पर्व भी था 26 जनवरी को, तो वो जो कासगंज में हुआ वो दोबारा ना हो, उसके लिए क्या करें? वह दंगा नहीं था, वो एक दुर्घटना है। वो एक दुर्घटना है, उसमें कोई कर्फ्यू नहीं लगा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको नियंत्रित किया, और नियंत्रित ही नहीं किया बल्कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की। उत्तर प्रदेश पुलिस दोषियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उस पर आपको कई सवाल सुनने को मिल रहे हैं, ये एनकाउंटर राजनीतिक नुकसान देंगे? देखिए, सत्ता में हमेशा हर कार्य लाभ और हानि को देख करके नहीं किए जाते हैं। हमें प्रदेश के और आने वाली पीढ़ी के व्यापक हित को ध्यान में रख करके निर्णय लेने होते हैं। अगर भगवान राम ये कहते कि मैं रावण को मारूंगा नहीं कहीं मुझे नुकसान न हो जाए, भगवान कृष्ण ये कहते कि मैं कंस को मारूंगा नहीं मुझे नुकसान हो जाए, महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को यही प्रेरणा दी कि अपने सगे संबंधियों को मत देखो, सच्चाई का रास्ता अपनाओ, और जो सत्य का मार्ग होगा, जो लोक कल्याण का मार्ग होगा, प्रदेश के हित का मार्ग होगा, हम वह कदम उठाएंगे, इसमें हमें कोई हिचक नहीं होगी। आपने ये भी कहा कि सेक्युलरिज्म जो है वो एक ढोंग है या झूठ है, क्या सरकार पंथ निरपेक्ष नहीं होनी चाहिए? पंथ निरपेक्ष होनी चाहिए, धर्म निरपेक्ष नहीं। हमें पंथ और धर्म में अंतर महसूस करना होगा। सेक्युलरिज्म का मतलब पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं। और इसलिए इस शब्द पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, देश के अंदर सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? अगर पंथ निरपेक्ष ही सेक्युलरिज्म है तो हिंदू से बड़ा सेक्युलर कोई नहीं। जो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, एकम सद विपरा बहुधा वदन्ति की बात करता है, लेकिन इस देश के अंदर जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट हैं, इन्होंने सेकुलरिज्म का मतलब क्या बना दिया? भारतीयता का जो विरोध करे, देश की सनातन परंपरा का जो विरोध करे, भारत के महापुरुषों को जो गाली दे, वो उतना बड़ा सेकुलर होगा? इस प्रकार के सेकुलरिज्म की आवश्यकता इस देश में नहीं है। 19 मार्च को एक साल हो रहा है आपकी सरकार का, ये वाला एक साल आपके इसके जीवन के जो पहले वर्ष रहे, इसमें और उनमें क्या फर्क रहा? क्या आपने अपने आप में पाया कुछ बदलाव? देखिए, मैं तो जो 19 मार्च 17 के पहले था वही आज भी हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव महसूस किया है, उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग बदलाव महसूस कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित वातावरण देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर एक विश्वास का माहौल देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास के कार्य देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारा एक वर्ष का कार्यकाल सपा बसपा के 15 वर्ष के कार्यकाल पर भारी पड़ेगा। चाहे वो सब मिलके साथ में आ जाएं तब भी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी? हाँ हाँ, एकदम। एक आकलन है कि वो अगर साथ आ गए तो 50-60 सीटें तो उनकी कहीं नहीं गई। देखिए, उनको गठबंधन का नेता तय पहले चुनना चाहिए। दूसरा,
एक साथ आ जाएंगे, हमारे लिए और आसान हो जाएगा। ऐसा कैसे आसान हो जाएगा, अभी दो में तो बड़ा मुश्किल हो गया। नहीं देखिए, मैंने कहा ना कि इसलिए आसान हो जाएगा, ये गठबंधन चुनाव के पहले का गठबंधन, ये चुनाव के बाद, चुनाव घोषित होने नामांकन के बाद का गठबंधन है, सौदेबाजी है ये। तो पिछली बार तो 73 सीटें जीती थी एनडीए ने, इस बार कितनी जीतेंगे? इस बार हम 80 जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी हमसे बात करने के लिए, राइजिंग इंडिया समिट में या हमारे सामने हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा होता आप हमारे साथ यहाँ होते, लेकिन उम्मीद है। मेरी भी इच्छा थी आने की। जी जरूर, अवश्य। आप सबको, मैं आपको CNN न्यूज 18 राइजिंग इंडिया समिट के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।